पता चलता है। पहले हम एक उंगली से लाते हैं। ओ आया वो, देखिए थोड़ा, दोनों हाथ से लाए तो हिल रहा है, हिल रहा है। तो ये एक अफवाह थी, और हो सकता है कि समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। तो आपकी बात को कट करना चाहूंगी जी। कही दोस्तों, अभी हम सेम नागराजा मंदिर में तो आ चुके हैं, लेकिन अभी हम नागराजा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है एक शिला, नागेंद्र देवता की शिला है। तो उसके दर्शन के लिए हम वहां पर जा रहे हैं, और वहां पर देखते हैं, कहा जाता है कि वो पत्थर को एक उंगली से हिलाएंगे तो हिल जाता है, और दोनों हाथ से जोर लगाएं तो नहीं हिलता है। अभी हम जा रहे हैं शिला की ओर, और अब बड़े जी अपना रिव्यू देंगे यहाँ पर। कैसा लगा आपको मंदिर, कैसे लगे आपको चला? बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमको। आपको अपने भैंसी घोड़ी की याद तो नहीं आ रही है? याद आ रही है, हमारे भैंस भूख से मर रही है घर में। सही बात है, वो तो क्या है, कल जो शाम को दूध कैसे पिलाना। बिल्कुल सही बात है, जब घास खाएगी तब दूध पिलाना। जय हो, जय हो। तो दोस्तों आ गए हम, अभी आगे आए थोड़ा, यही वो पत्थर है। अब हम ये पत्थर हमारी परीक्षा लेगा, मतलब यहाँ पर इंसान की ताकत का पता चलता है। पहले हम एक उंगली से लाते हैं। ओ आया, वो देखिए थोड़ा, और अब हम इसको हाथ से शो करेंगे। मतलब आया हिल रहा यार, अच्छा थोड़ा रुकने देते हैं अभी। जय नागार्जुन अकेला देवता, अब रुक गया है तो अब हम अरे नो नहीं हिलता, बस ये देखो हिल नहीं। जय नागेंद्र देवता, देखो जय हो। नेक्स्ट दोनों हाथ से लाए तो, दोनों हाथ से लाए, हिल रहा भाई जी, हिल रहा है। अली सही ला रही यार, हिल रहा है यार, हिल रहा है। और अब जाएंगी दूसरी, एक उंगली से भी हिल रहा है, एक उंगली से हिल रहा है। कटिंग कोलिंग, जय हो नागेंद्र नागेला देवता। हिल रहा है, दोनों रुक, थोड़ा रुक जा, और फिर दूसरा दो हाथ, दोनों हाथ से करो। तो दोस्तों अब हमने पत्थर को तो हिला दिया है, लेकिन जितना मैंने सुना था यहाँ पर ये कहा जाता था कि दोनों हाथ से ताकत लगाएंगे तो नहीं हिलता है, लेकिन यार पता नहीं कुछ तो है इसमें, मतलब नो डाउट कुछ है। और एक हाथ से भी हिल रहा है, उंगली से भी हिल रहा है, और दोनों हाथ लगाने पर भी हिल रहा है, और ये प्रूफ वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन एक उंगली से हिलना तो थोड़ा सा बैलेंस कैसा है इसका वो पता नहीं है। खैर लेकिन मतलब जो भी है, कुछ तो चमत्कारी है ये भगवान का, इतने सालों से ये यहाँ पर ये पत्थर विराजमान है। ये हमारी धर्मपत्नी कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन जिन्होंने मेरे से 36 बार लड़ाई कर दी है, और कल बोला था कि मैं लड़ाई नहीं, नहीं। आपने इस पत्थर के बारे में क्या सुना था, और आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? यहाँ पे हमने ऐसा सुना था कुछ कि अगर एक उंगली से आप हिलाएंगे तो वो शिला हिल जाएगी, और पूरा जोर लगा के हिलाएंगे तो नहीं हिलेगी, पर यहाँ उल्टा ही हुआ, उंगली से भी हिल रही है और हाथों से भी हिल रही है जी। तो ये एक अफवाह थी, और हो सकता है कि समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। तो आपकी बात को कट करना चाहूंगी जी, कहिए। इतना जरूर हो रहा है, एक उंगली से ज्यादा जोर से हिल रही है वो शिला, और जोर लगाने पर थोड़ा हल्की कम हिल रही है, इतना तो है भाई। पता नहीं, मुझे तो खैर दोनों सेम लग रहा है, ये अपनी अपनी वो है,
धार्मिक वो हैं यहाँ पर, सबकी मान्यताएं जुड़ी हैं, तो हम किसी की भी मान्यता को नहीं, धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। जो भी है सब सही है भगवान के नाम पर। जय श्री राम, जय नागेंद्र देवता।